इतना थोड़ा सा सुधार ले तो मेरे फिर कोई रिजर्वेशन नहीं है या पेपर में। हाँ, मतलब मैं वेरिफिकेशन नहीं मान रहे हूँ, जस्टिफिकेशन मान रहे हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और रैशनल नॉलेज और परसेप्शन जाकू, क्योंकि महाप्रभु जी कह रहे हैं श्रुति प्रत्यक्ष मैतिह्यम अनुमान चतुष्टयम एते ही आदित्य मंडलम तपति। आदित्य मंडल में जो भी कुछ एनलाइटेंड हो रहे हो, एनलाइटनमेंट अपने को मिल रहे हो, ये चार प्रमाणन से मिल रहे हो, श्रुति प्रत्यक्ष ऐति और अनुमान। तो हम प्रत्यक्ष को भी प्रमाण या लिए नहीं मान रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर हमने वेरिफिकेशन किया है कि शब्द प्रमाण है, पर हम यूँ मान रहे हैं कि शब्द प्रमाण कह रहे हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है या सुप्रत्यक्ष प्रमाण है। हम अनुमान के आधार पर कोई अनुमान नहीं कर रहे हैं कि वेद के जो है वो अनंतावय शब्द राशि और अनंत शब्द राशि को जो है वो शब्द को राशि को जो कोई वक्ता है वो अनंत या सर्वज्ञ होए बिना अनंत शब्द राशि को शब्द उच्चारण कैसे कर सके, या सु वचन सु हम वक्ता को अनुमान नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वचन या तरीके को मिल रहे है कि अनंतावय वेदा, और वो अनंतावय वेदा कह रहे है या के लिए कि ब्रह्म की सर्वज्ञता जो है वो हमको लग रही है कि हो सके है। अब वो अनुमान से जस्टिफाई करी जा सकती है तो पंचाधिकरण की प्रक्रिया से, संगत अधिकरण की पंचांग वाली प्रक्रिया से हम वह को जस्टिफाई करना पाएंगे। और या लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वेदांत जिज्ञासा को जो प्रोसीजर है, मेथोडोलॉजी है, वो मेथोडोलॉजी क्या है वेदांत जिज्ञासा की, कि श्रुति सु जो अपने को एक जो कॉन्शियस अपने कॉन्शियसनेस में जो एक अवेयरनेस आ रही है कोई प्रोबेबिलिटी की, वह प्रोबेबिलिटी में अपने को असंभावना और विपरीत भावना हो रही है अपने नेरो ग्रज के कारण कि एम्पिरिकली वेरीफाइबल होना चाहिए, लॉजिकली जस्टिफाइबल होना चाहिए। तो ठीक है, वह प्रोबेबिलिटी को तुम एम्पिरिकली कोई तरह से वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पर लॉजिकली जस्टिफाई कर सकते हो तो कर दो, कि जैसे जस्टिफिकेशन जो है वो आ जाए वाको तो तुमको एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए। तुम्हारो अनुभव जो है वो अनुभव पर्यंत नहीं रह के, अनुभव कौन सा अनुभव, शब्दजन्य अनुभव, शब्दजन्य जो शब्द अनुमिति शब्द प्रमिति है, वो शब्द प्रमिति जो है, प्रमिति कहना थोड़ा प्रीमेच्योर है, पर शब्द अनुभूति जो है वो शब्द प्रमिति में कल्मिनेट हो जाए। जा वक्त उपनिषद यूँ कहे कि ब्रह्म है, वो एक शब्द अनुभूति है। आज अपन ये कह रहे हैं कि क्या है वचन, ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो अपने को शब्द अनुभूति हो रही है कि शब्द प्रमिति हो रही है? शब्द जन्य ज्ञान के आपसी रिलेशन जाकू बर्टन रसल कह रहे हो कि वेरीफाइबल ट्रूथ नहीं है, और ये तो सिर्फ मीनिंगलेस है अनवेरीफाइबल होने के कारण। वह तरीके की शब्द अनुभूति हो रही है, शब्द प्रमिति नहीं हो रही है। अब वो रसल मजाक उड़ा रहे हो कि वह तरीके की शब्द अनुभूति तो राउंड स्क्वायर में भी होगी और गोल्डन माउंटेन में भी होगी, और अपने यहाँ को उदाहरण दें तो वंध्यासुत कहने पे भी शब्द अनुभूति तो हो ही रही है कि नहीं, कि भाई एक वंध्या है और एक वाको पुत्र है। ये एग्जाम्पल अब आउटडेटेड हो गया, क्योंकि जेनेटिक्स इतना डेवलप भयो है कि वंध्या को पुत्र हो सके बिना पिता के, ये आउटडेटेड हो गया। अब वंध्या पुत्र को वेरिफिकेशन पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशनली, गणपति बापा मोरिया हो गए, फुर्चा वर्षी नकोचा। रही बात ये, एष वंध्या सुतो याति खपुष्प कृत शेखर, तो या तरीके के जो वचन है जाकू राउंड स्क्वायर और गोल्डन माउंटेन इन शब्दन में वहाँ डिफाइन कर जाए है। रसेल ने भी एक लेवल पर जाके ये कही थी, रसेल के बारे में एक प्रसिद्ध बात यह है कि हर 20-30 साल में वो अपनी फिलॉसफी बदल देते, तो
और जा बखत रसेल मरियो वा बखत मैं रसेल को स्पेशल पेपर लेके एमए कर रहे हो तो मेरे जितने कलीग हते फेलो स्टूडेंट हते वो खुशी मनाई सबन ने मरियो तो अच्छा भयो नहीं तो एकाध फिलोसफी और पैदा कर जाते और वो भी अपने को रटनी पड़ती एमए के लिए। पर मैं रसेल को इतना चाहूँ कि मेरी आँख में आंसू आ गए ये समाचार सुन के कि भाई ऐसा विचारक कहाँ से आएगो भले नेगेटिव विचार तो पर विचार तो होता कि नहीं तो मेरी आँख में सो आंसू टपक गए और वो शायद नहीं टपकते मेरे पर जब मेरे जितने साथ के स्टूडेंट थे उनने कही कि आनंद हो गया तुमको पता है क्या है मन की नहीं पता है कि रसेल मर गयो मन की वहाँ आनंद क्या हो बोले एक थीरी कम याद करनी पड़ेगी नहीं जीतो रहते तो एक थीरी और लिख जाते हर 30 साल में अपनी थीरी बदल देते तो वाकू फिलोसफी में परीक्षा देने वाकू तो लेने के देने पड़ जाए ना कि मांड मांड एक थीरी याद होती हो अब वाने इतने बरस यह थीरी इतने बरस यह थीरी वो डेट वाइज याद करनी पड़े ये बोलवा में व्यष्टि समझ ज नहीं आते रसेल समझ ज नहोतो आवतो अने मने रसेल एटला माटे गमतो तो के समझ नहोतो आवतो મને બહુ મીઠો લાગતો કે અરે આટલું આટલું વાંચે તો એ સમજ નથી પડતો કેવો મજેદાર વિચારક છે મને લાગતું કે બહુ મીઠો વિચારક છે અને હું ખરેખર લવ કરતો હતો રસેલને હજી પણ મારા લાઇબ્રેરીમાં રસેલનો મેં ફોટો ટાંગી રાખ્યો છે એટલા જ માટે બિકોઝ આઈ રિયલી લવ રસેલ દો આઈ ડોન્ટ એગ્રી વિથ હિમ એન્ડ આઈ ક્રિટિસાઇઝ હિમ સિવિયરલી સો વોટ બટ આઈ લવ રસેલ કેમ કે મારા સ્પેશિયલ પેપર બે જ હતા એક વલ્લભાચાર્ય અને રસેલ અને મારા ફેલો પ્રોફેસર મને કહેતા હતા કે આ કઈ જાતનું કોમ્બિનેશન તમારો છે કે એક બાજુ રસેલ લઈ રહ્યા છો એક બાજુ વલ્લભાચાર્ય રહ્યો છો તો હું એમને કહેતો કે હું સાઉથ અને નોર્થ પોલ બંને લઈ રહ્યો છું તો વચ્ચેની પૃથ્વી તો આવી જશે કે નહીં હું સાઉથ પોલ અને નોર્થ પોલ લઈ રહ્યો છું તો વચ્ચેની ફિલોસોફી ઓટોમેટિકલી આવી જશે બધી મારા પ્રોફેસર માથા ઠોકતા કે કઈ જાતની ચોઇસ છે તમારી ઇટ વોઝ અ બિઝાર ચોઇસ કે જે રસેલ ભણે તે વલ્લભાચાર્ય ન ભણે વલ્લભાચાર્ય ભણે તે રસેલ ન ભણે અને મારી બિઝારે ચોઈસ એટલી બિઝારે રહી કે હું એમએ આપી જ ન શક્યો એમ જ રહી ગયો આટલી બધી તૈયારી કર્યા પછી એક એ બિઝારે ડાયલેમા હતો ખેર સો ધ પેપર એટેમ્પ્ટ ટુ રિઝોલ્વ ધ પેરાડોક્સિકલ કોન્ફ્લિક્ટ પુટ ફોર્થ બાય સાયન્ટિફિક નોલેજ વાઇલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શ્રી વલ્લભાચાર્યાસ કોન્સેપ્ટ of jiva as a part of the ultimate consciousness by avoiding the extremes of reducing science to the pseudo-scientific theory on one hand and limiting the scope of the philosophy on the other. This is fairly good statement. Individual consciousness according to Sri Vallabhacharya. Vame tene ek jo shabd vapraya hai The individual consciousness is the part of the ultimate consciousness. And I really, from my heart, want to congratulate you for coining this term, the ultimate consciousness for the Brahman. Individual consciousness is an individual consciousness. And Brahman is an ultimate consciousness. Now, I want to go into the little analysis of these two terms, jasta, by each other. What do we mean by individual consciousness? First of all, what do we mean by individual, which cannot be divided? So individual consciousness cannot be divided, taken as a vyashti, for your information. Because the moment you try to divide it, it becomes samashti. जो आप जो अपन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को डिवाइड करेंगे ये मेरी रस दृष्टि की तरफेंड में मैंने यह प्रॉब्लम को बहुत हाइप करी है कि भाई डिवीजन कहाँ पॉसिबल है और डिवीजन कहाँ पॉसिबल नहीं है और डिवीजन क्यों करना चाहिए और डिवीजन क्यों नहीं करना चाहिए तो एक बात समझो कि मैं मेटाफिजिक्स में या फिजिक्स में अपन एटम क्या हैं वो एटम को जो मूल शब्द है वो अतोमन है और अतोमन का मतलब वो है दैट विच कैन नॉट बी ब्रोकन जब अपन अपनी संस्कृत भाषा में अणु कह हैं तो अणु का भी मतलब है कि जो न नुद्यते
वो अणु, तो अतोमन को के अणु को, वो अणु अणु है कि नहीं। अब अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि साइंस ने जो न्याय के अणु हते उनको अणु रहने के बजाय समष्टि बता दी, और अणु के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आखिर एक स्ट्रक्चर देखो समष्टि को। हर एक अणु फिजिक्स को अणु जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की समष्टि है। तो ब्रेक करते ही वो समष्टि हो गई, नहीं ब्रेक की हो तो अणु है। और फिर ये समझते थे कि अच्छा अच्छा अब ज़्यादा ब्रेक मत करो, तो 27 तरह के वहाँ में चार्जेस मिले। अभी साइंस यह बात की चर्चा कर रहे है न्यूक्लियर साइंस के 27 तरह के जो चार्ज वहाँ में हो रहे हैं वो पाछे उनको कोई कासार है, माने इलेक्ट्रॉन्स सब न्यूक्लियर कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं मटेरियल, अब वो पता नहीं है कि नहीं है। अपना वेद या बारे में बहुत बोल्ड है, अणु और अणियान महतो महियान। अब अणियान क्या बला है पाछी, भाई न नुद्यते इति अणु, वह अणु को तुम व्यष्टि मानने के बजाय समष्टि सिद्ध कर रहे हो कि नहीं नहीं अणु और अपनी अणुयान महतो और अपनी महियान आत्मा गुहायाम परमस्य जंतो तमकृतुम पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान। भाई क्या चक्कर है, बिजार स्टेटमेंट है। या तो अणु को तो अणियान मत को, अणियान कहते हो तो को अणु मत को। लेट अस रिजर्व द स्टेटमेंट टर्म। और वेद को यदि ज़्यादा अपन छेड़ेंगे ना तो वेद इतना बोल्ड है कि अणियान जो हो वासु भी अणियान है ब्रह्म। इनफाइनाइट रिग्रेस मान रहे हो जो न्याय के हैं कि अणु को जो ऐसा अपन तोड़ेंगे और वो नहीं होएगा तो मेरु और सरसपयो समान समानता आ जाएगी, हाँ अनवस्था आएगी। अनवस्था की बात नहीं है, क्यों अनवस्था की बात नहीं है, वहाँ को शुद्ध कारण वेदांत ये समझाना चाह रहे हो है। अब मुकु वो बात कभी भी समझ में नहीं आई, पर वो ब्रह्मज्ञान मुकु मेरे पोपट ने दियो। मैंने एक पोपट पालियो और सबन ने कहा कि आपको और सब फल वल खिलाओ या के बजाय कुछ चना खिलाओ। मैंने कहा ठीक है, बाजार से चना मंगाए तो चना के छिलका अपनी चोंच से छोलतो तो। अब मेरे को पुष्टि भक्ति सूझी, मैंने कहा या कोई तत्सुक के विचार सो चना के छिलका अपन छील दें और या कुछ छिले हुए चना को छिलका चना खाने को दें, तो वह चना में पाछवा ने चोंच में घुमा घुमा के एक छिलका और निकाल दिया। मैंने कहा अरे यार ये क्या कर रहे हो, चाँच पर दबावे और ऐसे ढंग से वो दबावे यूँ तो एक छिलका निकल जाए। मैंने कहा ये तो अनवस्था हो रही है, अपन और पाछे छिलका निकालेंगे तो जो खाते हो खाने ना अपने बाप को क्या जानो रणियान महतो महियान आत्मा गुहायाम परमस्य जंतो को एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो। तो पोपट ने मुको ब्रह्म ज्ञान दियो सुखदेव जी ने, वो ब्रह्म ज्ञान मुको सुखदेव जी ने दिया। मैंने कि पोपट को जैसे खाना है खाए, पुष्टि मार्ग को व्यर्थ विचार यहाँ करना जरूरी नहीं है, तत्सुख को विचार, क्योंकि अपने को क्या पता अपन छिलका छोलें वाको पसंद नहीं आवे कि तुमने काहे को छिलका छोलियो, वाकी चोंच बनी या लिए है कि जो खाना है खाने के पहले वाके कुछ छिलका वह निकाले। ऐसे जितने भी लॉजिशियन हैं उनकी चोंच ही अक्कल की चोंच या ली बनी है कि जो भी कुछ कंसेप्ट है वाके कुछ छिलका निकालो। अब वो छिलका निकालते रहे, ब्रह्म क्या है अणु रणियान मुकाबला कर लो आके देख लो, तुम तत्सुख विचार से कुछ छिलका निकाल के करो। तत्सुख विचार को खंडन नहीं कर रहे हूँ, माइंड इट, ना बड़े इनकी परंपरा को खंडन कर रहे हूँ, पर जो लोग भी ठाकुर जी को उत्थापन में फल फूल भोग धरे हैं वह यह बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बाय दैट टाइम भोग अपन सारा में केला सड़े भयो मिले, सड़े भयो मिले कि नहीं मिले। तो मैंने लक्ष्मी को कही कि भाई केला ऐसे क्यों भोग धरो ठाकुर जी को, थोड़ा सा खोल के रख दो और
पोपट की तरह ठाकुर जी को छिलका निकालने दो, तत्सुख का विचार या में मत करो, नहीं तो केला सड़े हुए मिले। तो थोड़ा सा छिलका, अब वो मुझको इनसाइट कहाँ से मिली, क्योंकि अपने यहाँ ठाकुर जी को आम संभार के भी धरे जाए है और बाकी नोक थोड़ी सी छोल के अपन आँखों आम भी धरे हैं। अब वो कौन को पता चले, जिन लोगों को आम चूसने की आदत है ना, उनको खाने में आम मजा नहीं आवे, चूसने में ही मजा आवे। अपन तत्सुख को विचार करके उनको चूसने के बजाय रस निकाल के दे दें और फिर वह रस में पैसी शक्कर मिला दें, अरे भाई मीठो तो ऑलरेडी आम होता, मैं शक्कर मिला ही क्यों तुमने। वो आम को रस अच्छा लगता है तो अच्छा लगना बंद हो जाए, आम को रस में शक्कर मिलाने की क्या जरूरत है, आम को टेस्ट लेना कि शक्कर को टेस्ट लेना, शक्कर को टेस्ट लेना तो पना क्यों नहीं खाना। एक तो आम को मीठे आम को मीठो रस काढ़ना और वहाँ में पासी शक्कर मिलानी, अब वो तत्सुख विचार है कि तत् दुख विचार है समझ नहीं आवे, गंगाराम के समझ में ना आए। तो अपने आप पुरानी पद्धति थी कि आम को खाली छिलका निकाल के वो ऊपर की नोक थोड़ी सी छोल के चासू, चूसने में ठाकुर जी को भी आनंद आवे। छिलका निकालने को तत्सुख विचार नहीं करना चाहिए, पोपट के लिए भी, सुखदेव जी के लिए भी, और सुखदेव के निरूप्य जो कृष्ण हैं उनके लिए भी, मेरा ऐसा विचार है। तो वह आधार पे जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वह को मैंने ये विवेचन करना चाहो है कि केमिस्ट्री में जो केमिकल मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल को भी डिवाइड अपन फिजिकल एटम में कर सके हैं, और एटम को भी अपन डिवाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कर सके हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी अपन 27 चार्जेस में डिफाइन करके कासार करके और छिलका निकालो ना, जितने छिलका निकालोगे ये जो अल्टीमेट पोपट है, अल्टीमेट पोपट कह रहे हो, कॉन्शियसनेस कह रहे हो, अल्टीमेट पोपट वहाँ में से कुछ और निकालेगा कि लो अब ये और सामने आ गया, निकाल छिलका। तो यह बात को समझने की ज़रूरत है। से मुकु तेरी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी लगी, सो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एज फार एज द कॉन्शियस लेवल ऑफ आवर इज कंसर्न, यस बट इट कैन बी डिवाइडेड इफ वी स्टडी द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो जैसे मॉलिक्यूल को अपन जो है वो फिजिकल एटम में, वो मेंडेल को क्या कहे चार्ट है ना, हैं हाँ हाँ, तो वो सारे चार्ज में पाछे वहाँ को न्यूक्लियर में वहाँ को अनुवाद हो जाए, और वो अणु जो है पाछो अणियान हो जाए, वो जो है पाछे केमिकल में मॉलिक्यूल बन जाए हैं, वो केमिकल जो मॉलिक्यूल जो है वो बायोलॉजिकल सेल बन जाए हैं। एक बायोलॉजिकल सेल को तुमने डिवाइड करी तो बायोलॉजिकल सेल ख़त्म हो जाएगी, सो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड if you want to study the biological cell, but if you divide it, any biological cell is an individual cell, but if you divide it, it ceases to be biological cell, it will converted into the chemical cell. Similarly, jo biological cell hai wo ek social prani ke roop mein wo ek vyakti hai, aur wo vyakti jo hai apan hai, and we are all individuals, and we have an individual consciousness, and our consciousness is different than the consciousness of the biological cell, and that is to individual consciousness. If you divide it, we'll cease to be an individual person, we'll become a system. So as far as our consciousness is there, chemically it can be divided, chemically it can be understood, but still it is individual. वो ब्रह्म का जो डिवीजन है वो इंडिविजुअल सेल में वर्गो का द्रव्यंग कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। तो ब्राह्मिक जो कॉन्शियसनेस है वो आपको डिवाइड करके भागवत और इनने अपने को ऐसे समझा कि आपको डिवाइड करो, अब वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, सो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को भी डिवीजन तो पॉसिबल है ना, क्यों डिवीजन पॉसिबल है, स आत्मानम द्वेधा पाते, भाई अपन ने नहीं वह को द्वेधा पातन किया है, बाय इट्सेल्फ वहाँ ने अपने आप को द्वेधा पातन किया है, काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष में अनेकधा पातन किया है,
वो अनेकधा पातन में अपन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है और वो अपनी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। सो ये तेरी टर्मिनोलॉजी बहुत मुझको अच्छी लगी और वाकई लिए तेरे को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो महतो महियान कॉन्शियसनेस है। यदि तुम कुछ पार लोगे वासु और बढ़ो, पाछो वो अल्टीमेट पोपट क्या करेगा, वासु भी बड़ापन दिखाएगा। और यह बात को बहुत अच्छे तरह से ब्राह्मण उपनिषद ने समझाया है कि भगवान ने जब ब्रह्म ने जा वक्त अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट करना चाहे हो तो एक लेवल पे वाने सृष्टि पैदा करी और कॉन्शियस सृष्टि पैदा करी और कॉन्शियस सृष्टि पैदा करी, तब वाके सामने एक प्रॉब्लम आई कि ये सब आपस में इतनी संकीर्ण है कि इनको पता नहीं चल रहा कि कौन क्या है। तो आने के ऑल राइट, सृष्टि के हर इंडिविजुअल डिवीजन करो, और इंडिविजुअल डिवीजन इंडिविजुअल्स में डिवीजन माने व्यष्टि में डिवीजन करने के बाद वाने हर इंडिविजुअल को एक नाम और एक रूप को अलॉटमेंट कियो, वह या इंडिविजुअल को ये नाम है या इंडिविजुअल को ये रूप है, और ये रूप या इंडिविजुअल जो व्यष्टि है वह को ये नाम और ये रूप है। ये करने के बाद करने के साथ सर्वनाम रूप की जो समष्टि होती वाक्य और या के बीच में गैप हो गया, एक अंतरिक्ष पैदा भयो, एक अंतरिक्ष पैदा भयो, और अपन नीचे हो गए और वो ऊंचे हो गए। बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर्स क्यों नरेशन है वह, और वो ऊंचे हो गए। वाकई पहले ना कुछ ऊंचे होते ना कुछ नीचे होते, पर एक दो लेवल कॉन्शियसनेस कैसे आए कि जहाँ हर इंडिविजुअल के पर्टिकुलर नाम पर्टिकुलर रूप और पर्टिकुलर फंक्शन हैं, और एक कॉन्शियसनेस को लेवल ऐसा तो कि जहाँ मैं सारे नाम सारे रूप सर्वाणी रूपाणी विचित्य धीरा नामानि कृत्वा भी वदन यदास्ते, वो ऊपर चले गए। वहाँ से ऊपर और नीचे को भाव पैदा भयो, और नीचे के भाव वाले ने स्पर्धा करी, कौन सी स्पर्धा, अहम ब्रह्मास्मि की, यानी कि ऑल राइट तुम ब्रह्म हो ना नहीं पा रहे हो कि तुम ब्रह्म नहीं हो, कि तुम ब्रह्मांश हो तो तुम ब्रह्म हो, पर तुम ब्रह्म ही बनना चाह रहे हो तो बन के बताओ, तो ब्रह्म बन के बता दियो, मुक्त हो गए, तो मुक्तोपस्रुप हो गयो, फिर ऊंचा चले गयो, मुक्तोपस्रुप व्यपदेशात व्यास जी कह रहे हैं कि तुम मुक्तो के ब्रह्म हो गए ना, ब्रह्मविद ब्रह्मव्य भवती मैं ब्रह्मविदोपस्रुप्य हो गया हूँ, मुक्तोपस्रुप्य ब्रह्म हो गया, फिर ऊंचा चले गयो। अब चलो आओ राइवलरी में, वही तो खेल वो खेलना चाहते तो खेल के देख लो, जितना जितना तुम ऊपर चढ़ोगे उतना उतना वो ऊपर चढ़ता जाएगा, जितना जितना तुम नीचे उतरोगे उतना उतना वो तुम्हारे लेवल पे आता जाएगा। ये बात अपने को कैसे समझ में आवे कि यहाँ से अपने को आकाश को एक अल्टीट्यूड दिखे है, तो थोड़े ऊपर जाए तो वो अल्टीट्यूड और ऊपर चले जाए, अपन सोचेगा अच्छा ये फर्मामेंट है, वो सात जो आकाश माने हैं और सातवें आसमान के ऊपर खुदा है, वो खुदा सातवें आसमान पर होगा, पर अपना ब्रह्म सातवें आसमान पर नहीं है, अपना ब्रह्म तो जितना सातवें नहीं चौदह आसमान बनाओगे ना तो अभी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, वो ऊपर चले जाएगा, नीचे उतरते जाओगे तो नीचे उतरते जाएगा, या तरीके की वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। बहुत पिक्चर्स की डिस्क्रिप्शन वहाँ दियो है। सो ये बात खास ध्यान देने की है, और एक बात ये और मैं यहाँ में नथिंग अगेंस्ट यू और नथिंग फॉर यू, पर जस्ट मेरे दिल में एक रैम्बलिंग माइंड में ख्याल आ रहा है कि कोजितो एर्गो सुम की जो इंडिबिटिबिलिटी है, और असन ने व सब भवती असत ब्रह्मेति वेदचेत में भी कोई इंडिबिटिबिलिटी सजेस्ट करी जा रही है, इन दो इंडिबिटिबिलिटी में ड्यूअलिटी क्या है। तो कोजितो एर्गो सुम की जो इंडिबिटिबिलिटी है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं अक्सर ये बात कहूँ कि यदि महाप्रभु जी और देकार्त को शास्त्रार्थ आयोजन कर देना
और देखा जैसे कह गो कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, और महाप्रभु जी कहें देयर फॉर यू डू नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि अहंता ममता जो है वो माइक है, आई माइक है, थिंकिंग माइक है, शंकराचार्य की माइक नहीं, पर ब्रह्म की बहुभवन सामर्थ्य रूपा माया सो बनाई भाई माइक है, मने रियल नहीं। एक बात ध्यान से समझो कि एक रियल होवे है और एक आर्टिफिशियल होवे है, और एक रियल होवे है और एक आर्टिफिशियल नहीं पर एक अनरियल होवे है। तो शंकराचार्य की माया का जो प्रोडक्ट है वो रियल वर्सेस अनरियल को है, और महाप्रभु जी की जो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया है वहाँ में रियल वर्सेस आर्टिफिशियल है। जैसे आर्टिफिशियल पर्ल, इट इज़ एज मच रियल एज रियल पर्ल, बट देन वी नो इट इज़ एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लेग, वहाँ में वहाँ को कुछ आर्ट है। जो भी आर्टिफिशियल है वहाँ में एक आर्ट प्रकट हो रहा है। अब वेद बहुत अच्छे ढंग से वाकू कहे कि ये सारी सृष्टि को वाह कवि को काव्य समझो ना तुम, ये आखिरी सृष्टि वे कवि को काव्य है। तो काव्य आर्टिफिशियल है, कवि रियल है। यहाँ अनरियल और रियलिटी को नहीं है कॉन्ट्रास्ट। जैसे खिचड़ी आर्टिफिशियल है और दाल और चोखा रियल है, ऑर्नामेंट्स जितना है वो सब आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल अपन कहे हैं कि नेचुरल है और आर्टिफिशियल है, और नेचुरल को अपन रियल कहे हैं, रियल के कॉन्ट्रास्ट में अपन आर्टिफिशियल शब्द भी वापरते हैं। पर अपने को एक प्रेजुडाइस हो जाए, लॉक हो गया माइंड कि आर्टिफिशियल है मतलब अनरियल है, इट्स नॉट लाइक दैट। एक बात समझो, मेरे एक अंकल आर्टिस्ट थे और उनको पोर्ट्रेट बनाने को बहुत शौक है, तो और मेरे को मॉडर्न आर्ट की धुन चढ़ गई थी, अभी भी है, थोड़ा छेड़छाड़ की मेरी आदत है पुरानी, तो उनको मैंने एक दिन छेड़ दियो, उनको महाराज मैं कहता हूँ, इनके महाराज 15 दिन आपको ये पोर्ट्रेट बनाने में लगे, कैमरा आ गए हो, एक क्लिक करो ना कलर फोटो आ जाए, जितने कलर आप ब्रश से निकाल रहे हो, ट्यूब से निकाल रहे हो, पैलेट पर डाल रहे हो, ब्रश से लपेट रहे हो, वो सारों का सारा रिजल्ट एक कलर कैमरा से क्लिक करो, 2 मिनट में आ जाए। अभी हमें फ़न क्या है, उन्हें बहुत मीठी बात मुझसे कही कि देख शामू तो को बताऊँ, मैं क्या बताओ, माई पोर्ट्रेट इज़ बेटर देन द कलर फोटोग्राफ, तेरे को देखने की सिफत है, मैं क्या आप दिखाओ तो दिखे। और फिर जा तरह से उनने मैं फोड़ पाड़ के कह रहे हूँ कि एक मार्लिन मोनरे करके एक्ट्रेस आती, वहाँ पर कलर फोटो पे से उनने कलर पोर्ट्रेट बनाया, अब उनने वो कलर फोटो मुझको दिखाया, एंड आई वॉज कन्विंस्ड कि फोटो के बजाय पोर्ट्रेट ज़्यादा खूबसूरत है, तो आर्टिफिशियल होने के कारण। गोपिका, सो डोंट बी अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन कि आर्टिफिशियल खराब है, आर्टिफिशियल कैन बी बेटर देन द रियल समटाइम। या लिए मैंने आज आपको बात कही कि कालिदास आर्टिफिशियल है और अश्वघोष रियल है, और कालिदास इज बेटर देन अश्वघोष बिकॉज ही इज एन आर्टिफिशियल पोइट, आयो ख्याल में। सो कोजितो एर्गो सुम जो है, वाको आई जो है वो आर्टिफिशियल है, असन्ने वस भवती असत ब्रह्मेति वेदचेत की जो समष्टि है वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की समष्टि है, वो रियल है, आर्टिफिशियल है। नन हैज मेड इट, नन हैज मेड इट, इस स्वयंभू स्वभू वेद में या के लिए प्राइमरी लेवल पर आपको स्वयंभू कहो जाए है, पर सवेद की संहिता आपको स्वयंभू कहने के बजाय आभू कह है। तो आभू का मतलब असमंतात भवती त्याभू, जो कुछ है वो बन्य है, वाक्य अर्थ में वो आभू है, आभू है। स्वयंभू क्या क्या आपको कहना अपने को, वो तो है ही, वो स्वयंभू कहाँ है, आभू है। सो
ये नथिंग अगेंस्ट प्रकृति और नथिंग फॉर प्रकृति, पर ये जस्ट मेरा माइंड की रैम्बलिंग है।